हरियाणा में रोडवेज की हड़ताल के दौरान जिन युवाओं ने बसों की कमान संभाली थी, हड़ताल के बाद उन्हें हटा दिया था। इसके बाद इन युवाओं ने प्रदर्शन कर रोजगार की मांग की थी। इसके चलते 58 दिन के संघर्ष के बाद सरकार ने इनकी 5 में से 3 मांगें मान ली हैं और इन्हें अब रोडवेज में ही रोजगार मिलेगा। मांगें मान लिए जाने पर वीरवार को युवाओं ने खुशी जाहिर की। सबसे पहले हम मीडिया बहुत बहुत आभारी हैं जिसने हमारी इतनी हर मांगे को पूरा करने का पूरा सहयोग दिया है। हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। इसके बाद जी हमने डीजी साहब को अपनी मांगे रखी थी 5, जिसमें हमारी 3 मांगों पर डीजी साहब ने मार्क कर दिया है, तो हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। क्या क्या मांगे थी आप लोगों? हमारी मांगे थी, एक तो हमारी नौकरी को पक्का किया जाए, वापसी किया जाए, तो उसमें डीजी साहब ने बोल दिया हमारी वैकेंसी खाली होंगी, उसी टाइम हम एडजस्ट करते रहेंगे। किस पोस्ट पे थे आप लोग? हम ड्राइवर कंडक्टर जैसे भी भाई जी। दूसरी मांग हमारी ये थी, हमारी प्रशंसा पत्र दिया जाए, जितने दिन हमें काम किया है, तो डीजी साहब ने वो भी मार्क कर दिया है, हमारे को 20 से पहले पहले प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। क्या नाम आपका? अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।